बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर सुनवाई 26 अक्टूबर को कोर्ट में होने जा रही है। केस को लड़ने के लिए शाहरुख खान ने नए वकील को हायर किया है। मुकुल रोहतगी अब आर्यन खान का केस लड़ेंगे। ये भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इनके साथ सीनियर वकील अमित देसाई और सतीश माने शिंदे भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान के बेल की याचिका को खारिज करने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। इसी बीच मन्नत के अंदर सभी का मूड कैसा है, इस पर खान परिवार के करीबी दोस्तों ने बताया है। ऐसा है मन्नत के अंदर का माहौल। इंडिया टुडे संग बातचीत में इस दोस्त ने बताया कि शाहरुख खान और गौरी खान समेत परिवार यही सोच रहा है कि आर्यन खान को आज बेल नहीं मिल पाएगी और ये मामला थोड़ा और खिंचेगा। कुछ दिन और आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। आपको बता दें कि आर्यन खान के केस में नया ट्विस्ट आया है। मुंबई क्रूज पार्टी के विटनेस प्रभाकर सेल का दावा है कि केपी गोसावी ने एनसीबी के जोन्स डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से 25 करोड़ की डिमांड की थी, जो आर्यन खान को केस में छुड़ाने के लिए रखी गई थी। आपको बता दें कि केपी गोसावी वही शख्स है जो आर्यन संग सेल्फी में वायरल हो रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।